तो हैरान इस बात पे हूँ कि जहाजेब कितना खुश लग रहा था शादी पे। लग नहीं रहा कि 2 महीने पहले अपनी बीबी को छोड़ के पाकिस्तान आया। तुम शायद भूल रही हो, वो शादी के लिए राजी नहीं था, उसे मैंने फोर्स किया इस शादी पर, वरना वो सूफी को बुला नहीं पा रहा था। नहीं अम्मी, मुझे अच्छी तरीके से याद, बल्कि हैरानगी भी इसी बात की है कि जो आदमी अपनी बीवी से मोहब्बत के इतने दावे करता था, उसको छोड़ने के 2 महीने बाद ही दूसरी शादी में इतना खुश है। I mean, don't get me wrong, I'm very happy for Afreen, लेकिन क्या इतना आसान होता है किसी का नाम अपने दिल से यूं मिटा देना? बेटा, आप जख्म को अगर कुरेदते रहो ना तो वो कभी ठीक नहीं होता। उसे ठीक करने के लिए उसे भूलना ही अकलमंदी है। तुम्हें भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना है। उसे बेहतर करने के लिए जरूरी है कि तुम फरहान को भूलो। मम्मी प्लीज, आपने फिर वही टॉपिक निकाल लिया। कितनी बार मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तो जब से तुम लोगों की शादी हुई है, मम्मी ने बस एक ही रट लगाई है, फरहान को भूल जाओ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम ही बताओ, बार बार एक ही बात कहेंगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? दिल में जब किसी का नाम एक बार लिख लिया जाए, तुम्हें लगता है उसे मिटा के किसी और का नाम लिखा जा सकता है? किसने कहा है कि नए रिश्ते को बनाने के लिए पुरानी मोहब्बत की लाश से गुजरना जरूरी है? मोहब्बत को दिल में रखकर भी तो आगे बढ़ा जा सकता है ना? आफरीन, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ रामिस भी है। एक माँ बन के सोचती हूँ तो ये सब किसी सूरत मुमकिन नहीं लगता मुझे। नूर अम्मी, क्या नूर अम्मी माँ नहीं है? आप अपने बच्चे पर मुस्तकबिल में होने वाला जुल्म नहीं सोच सकती, तो नूर अम्मी से आप क्या तवक्को करती हैं कि वो रोज रोज अपनी औलाद को अपने मरहूम शौहर की याद में जलता हुआ देखें? उन पर क्या गुजरती होगी, कभी उनके बारे में सोचा है? आप अपनी नजर में माँ हो सकती हैं, लेकिन नूर अम्मी की नजर में आप एक बेटी हैं। लेकिन आफरीन, मैं रामिस के साथ शाम पे अपनी एक नियति से इरादा तो करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा।